नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी गार्डनर दोस्त किरण। फ्रेंड्स, मैंने अभी पिछले दिनों बिटूनिया पे एक वीडियो बनाया था, जो कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने जिन प्लांट्स में ये बिटूनिया लगा रखी थी, फ्रेंड्स मेरे पॉट दीवार में लगी हुई हैं और उनको मैं उठा के छाया में नहीं रख सकती हूँ। तो मैंने फ्रेंड्स इनके जो प्लांट हैं वो निकाल करके दूसरे पॉट में लगाए थे फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये हो चुके हैं और इनमें कितने खूबसूरत फूल आ रहे हैं। और साथ में फ्रेंड्स मैंने इसमें आप देख सकते हैं कि एक वाइन लगा रखी है जो कि काफ़ी ग्रीन नज़र आ रही है फ्रेंड्स। तो ये स्वीट पोटैटो वाइन है। तो इस तरीके से मैंने आपको हर वीडियो में लगभग बताती हूँ मैं कि एक ही पॉट में मैं दो तीन प्लांट लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप, एक ही पॉट में ये ऑलरेडी इसमें स्वीट पोटैटो वाइन लगी हुई थी और मैंने उसके साथ में फ्रेंड्स साइड में अपनी ये फूलों का प्लांट लगा दिया बिटूनिया का। तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी कंबाइन करके प्लांट लगाएं। और दूसरा, अगर आपका बिटूनिया अभी आपके पास में है तो उनकी जगह चेंज करें समय रहते फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी हवा में नमी अच्छी खासी है और हवा में नमी अच्छी है इसलिए हमारे जो प्लांट हैं हमें अगर निकाल के लगाने पड़ते हैं तो बहुत जल्दी लग जाते हैं, जैसे कि मेरा ये लग गया है और इसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है फ्रेंड्स। तो मुझे तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं फ्रेंड्स इसमें जितनी बर्ड्स आ रही थी इसलिए मैंने इसको कटिंग नहीं किया है, बट मेरा जो मन है अपने जितने भी बिटूनिया हैं सबकी एक बार कटिंग करने का है। अगर कटिंग कर दूँगी फ्रेंड्स तो मैं इनमें बहुत अच्छे से दोबारे से जो फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी इनमें कुछ फ्लावर्स आके निकल चुके हैं और इसमें बीज आ रहे हैं और बीज की वजह से जो हमारा प्लांट है वो काफ़ी स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसकी वजह से भी हमें कटिंग करनी चाहिए अगर हमें आगे इनसे फ्लावर्स चाहिए। तो आप भी फ्रेंड्स इस तरीके से अपने गार्डन को सजाएं और अपने बिटूनिया की कटिंग करें जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना प्यार देना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इजीली मिलती रहे। बाय फ्रेंड्स।